किबलाए तैबा हज उमरा की इब्तिदा की पूर्व मंत्री हाजी अताउर रहमान ने बरेली पुराना रोडवेज होटल कौनौक वाली गली स्थित हज उमरा यात्रियों की सहूलियत के लिए किबलाए तैबा हज उमरा टूर एंड ट्रेवल्स की इब्तिदा पूर्व मंत्री हाजी अताउर रहमान ने फीता काट कर किया। बरेली सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि जगहों का हज उमरा यात्रियों को इस सहूलियत का फायदा मिलेगा। शिरोज सैफ कुरैशी ने बताया कि उमरा यात्रियों को अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7417751091789558957869 हासिल कर सकते हैं। आज यहां पर हज और उमरा जाने के लिए एक किबलाए तैबा के नाम से एक ऑफिस खोला गया है। यहां से लोग हज और उमरा के लिए जाएंगे और ये सैफ कुरैशी और सलमान वारसी साहब का है और मैं इस मौके पर दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इनका ये ऑफिस यहाँ कामयाब हो और ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों के लिए, उम्रा करने वालों के लिए ये खिदमत करें। हम लोग तो बहुत कोशिश करते रहते हैं लेकिन ये सरकार जो बैठी है इसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान को बेचने में लगी हुई है और हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगी हुई है। इसके अलावा इसे कोई काम नहीं है। आज गरीबों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, ट्रेन बेच दी, स्टेशन बिक रहे हैं, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट पूरा देश बर्बाद करने में लगी है। सरकार द्वारा जो ये रेंडे बेचे गए ऐसे क्या कुछ इजाफा होगा हज यात्रियों के लिए, उम्र में जाने के कुछ पैसा कम होगा या पैसा बढ़ेगा? कैसा पैसा कम कहाँ होगा, ये तो प्राइवेट लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पैसा बढ़ाने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी आज बर्बाद हो चुकी है और पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी GDP घट रही है और अंबानी बंधुओं की, अडानी बंधुओं की इकोनॉमी बढ़ रही है। दिल्ली में चुनाव हो, चुनाव के लिए कुछ बताएंगे? बस अल्लाह से दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी जालिम सरकार चली जाए, दिल्ली से शुरुआत इसकी होगी मुझे पूरी उम्मीद है। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।